अब बात मौसम की कर लेते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते शुक्रवार से ही राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। भोपाल में बारिश ने पिछले 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में जारी है बारिश का दौर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारह जिलों में भारी बारिश की संभावना। बारह जनवरी तक बरसेगी आफत। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में 7 जनवरी से बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही ओले और सर्द हवाएं लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश में मौसम का रुख ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल सहित रीवा, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, रायसेन, सीहोर, इंदौर, धार, अलीराजपुर और झाबुआ जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गिरने की संभावना जताई गई है, जबकि ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों के अलावा राजगढ़, विदिशा, आगरमालवा और शाहजहांपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां गरज चमक के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी और शहडोल जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में फिलहाल एक साथ 4 वेदर सिस्टम एक्टिव है, जिसकी वजह से फिलहाल अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। राजधानी भोपाल में लगातार बारिश का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। हालांकि जिन लोगों को दफ्तर जाना है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में 18 साल बाद जनवरी में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। शुक्रवार को 1.5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद एक तरफ जहाँ तापमान लुढ़का है तो वही दूसरी तरफ कोहरा कहर बन रहा है, जिससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इंदौर में भी 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। कुछ जिलों में फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रतलाम में बारिश के साथ ही ओले गिर रहे हैं, जिससे न केवल तापमान में गिरावट दर्ज की गई है बल्कि फसलों को भी काफी नुकसान पहुँचा है। नीमच में देर शाम से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज बारिश और ओलावृष्टि से मनासा सहित पूरे अंचल में फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान अफीम की फसल को पहुंचा है। उधर पन्ना में भी मौसम के तेवर तल्ख हैं। गुरुवार से लेकर यहां बारिश का दौर बदस्तूर जारी है। बारिश के साथ ही सर्दी के सितम से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सड़कें पानी भरने से तालाब में तब्दील हो गई है, जबकि खेतों में भी पानी भर गया है। गेहूं की फसलों को फायदा पहुंच रहा है, लेकिन चने और मसूर की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। मुरैना में बारिश के बाद घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है। 10 मीटर से अधिक दूर तक देख पाना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले 12 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है और मौसम खुलते ही सर्द हवाएं मुसीबत बढ़ा सकती है। ऐसे में बारिश में भीगने से बचे, क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट।